Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss examination reforms in higher education. I have already discussed with you all examination reforms at secondary education level. This time I am going to discuss examination reforms in higher education. The lecture will be in bilingual mode and it must be useful to you all for your general as well as for your examination purposes. Do subscribe my channel to get my previous and future videos. First of all, examination system in higher education. हम बात करने जा रहे हैं परीक्षा प्रणाली में सुधार की, वो भी उच्च शिक्षा में. तो उसके पहले हमको जानना पड़ेगा कि उच्च शिक्षा में परीक्षा किस तरीके से होती है. फिर हम जानेंगे कि क्या उसमें कमी है और तब हमको पता चलेगा कि सुधार की क्या आवश्यकता है. फिर हम ये जानेंगे कि कौन कौन से सुधार संस्तुत किए गए हैं. In India, the higher education has so far been largely examination oriented. हमारे भारतवर्ष में जो शिक्षा, जो उच्च शिक्षा की व्यवस्था है, वो ज्यादातर examination oriented है. मतलब पढ़ाने पर कम बल है, परीक्षा पर अधिक बल है. The examination pattern that currently exists in university structure tests memory learning. जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जामिनेशन होता है वो जनरली मेमोरी बेस्ड होता है. मतलब सिर्फ आपसे स्मृति पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं. इन मोस्ट केसेस द एग्जामिनेशन सिस्टम इज एफिलिएटिंग इन नेचर विद एक्सटर्नल फाइनल यूनिवर्सिटी कंडक्टेड एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ एवरी सेमेस्टर और एवरी ईयर. दिस सोलली सर्व्स एज द पर्पस ऑफ असेसमेंट. जनरली ऐसा ही होता है कि एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर या एट द एंड ऑफ द ईयर जो आपका कॉलेज अगर इंस्टीट्यूशन है, वो किसी से संबद्ध है, किसी का हिस्सा है, किसी का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है, तो वो यूनिवर्सिटी एक एंड ऑफ द ईयर एग्जामिनेशन या एंड ऑफ द सेमेस्टर एग्जामिनेशन कराती है और उसी के पर्पस पे आपका असेसमेंट किया जाता है. दिस सिस्टम मोर ऑफन देन नॉट इंसुलेट स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्वेस्ट ऑफ नॉलेज, एक्साइटमेंट ऑफ डिस्कवरी एंड जॉय ऑफ लर्निंग. ये सिस्टम जो है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन नहीं है, जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम नहीं है वहां की बात हो रही है, तो ये जो है वो बालक को अलग थलग कर देता है, इंसुलेट कर देता है. किससे? ना उसके कोई ऐसी क्वेस्ट होती है, उत्कंठा होती है कि उसको ज्ञान हासिल करना है, ना उसको कुछ खोजने का एक्साइटमेंट होता है, ना उसको सीखने में कुछ मजा आता है. ऑफन द एनुअल एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद मार्क्स, परसेंटेजेस एंड डिविजन लीड्स टू इनसेंसिटिव क्रैमिंग अप ऑफ सुपरफिशियल डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन, दस विद वेरी लिटिल फोकस ऑन कंटिन्यूअस असेसमेंट ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. जो एनुअल एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें जो आपको मार्क्स मिल गए, जो आपको परसेंटेज आई, जो डिविजन हुआ, वो क्या होता है, लीड्स टू, मतलब वो हमको किस लिए प्रेरित करता है कि हमको सिर्फ सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन को क्रैमिंग अप कर लेना है, रट लेना है और जाके एग्जामिनेशन में लिख देना है. हमारा कंटिन्यूअस असेसमेंट का, मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान कंटिन्यूअस असेसमेंट पे बहुत कम बल दिया जाता है. इन वेस्टर्न कंट्रीज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन आर असेसिंग द स्टूडेंट्स होली ऑन इंटरनल इवैल्यूएशन मेथड फॉलोइंग द प्रिंसिपल दोज हु टीच शुड इवैल्यूएट. मतलब जो पश्चिमी देश हैं, जो हमसे विकसित देश हैं इस वक्त और शिक्षा में भी हमसे बेहतर कर रहे हैं, वहां पर जनरली ऐसा होता है कि जो हायर एजुकेशन में इंटरनल इवेल्युएशन पे ही आपका प्रमोशन और आपका असेसमेंट बेस्ड है और वो इस सिद्धांत पे काम करता है कि जो आपको पढ़ाएगा वही आपका मूल्यांकन करेगा. द सिस्टम फॉलोड इन द वेस्टर्न कंट्रीज हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द होल वर्ल्ड एंड द स्टूडेंट्स कमिंग आउट ऑफ दोज कंट्रीज आर वैल्यूड हायर देन द डिग्री होल्डर्स ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज. तो इस सिस्टम को बहुत से देशों ने अपना लिया है और ये जो बच्चे हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज से पास आउट हैं हायर एजुकेशन के द्वारा, वो बेहतर माने जाते हैं हमारे इंडियन यूनिवर्सिटी के डिग्री होल्डर्स से. कहने का मतलब है कि इंटरनल इवेल्युएशन पर बल देने की जरूरत है. ठीक है, फिर है रैशनेल क्या है, क्या तर्क हम दें कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म की जरूरत है. In India, examinations play a pivotal role and a deciding factor of career choice of students, ability to pursue the right higher qualifications and determine the degree of knowledge possessed. मतलब generally जो higher education के बाद जो हमारी degree होती है, जो हमारी marksheet होती है, वही ये तय करती है कि हम क्या career चुनेंगे, हम आगे हमारा भविष्य क्या होगा, है ना. The global competitive forces and the wave of disruptions in industry have brought in sweeping changes. Both in terms of skill requirement and the decision-making capabilities of human resource, thereby exerting tremendous pressure to perform in complex situations. लेकिन आजकल क्या कह रहे हैं कि examination क्या है, memory based है. लेकिन जो global competitive forces हैं, वो हमसे ये नहीं कह रहा है कि हम सिर्फ memory based वहाँ पे कोई भी हमारा workplace होगा वहाँ perform करेंगे. वहाँ skill की जरूरत है, वहाँ complex situation में perform करने की जरूरत है. तो
क्योंकि करंट एग्जामिनेशन सिस्टम केवल हमसे मेमोरी लर्निंग की स्किल पूछ रहा है, मेमोरी लर्निंग में भी रिक्वायर्ड, ये हम नहीं कह रहे हैं कि स्मृति पर स्मृति की जरूरत नहीं है और बिना मेमोरी के हमारा काम चल जाएगा, बट इट इज नॉट एडिक्वेट, पर ये पर्याप्त नहीं है। इसलिए पर्याप्त नहीं है टू परफॉर्म इन चैलेंजिंग एनवायरमेंट, अगर हमको कोई चुनौतीपूर्ण एनवायरमेंट मिलेगा तो वहां स्मृति काम नहीं देगी, वहां हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सब काम देगा। There is a need to assess application skills or skills of higher ability like analysis, creation, evaluation, etc. हम सब लोग Bloom's taxonomy के बारे में जानते हैं, higher order thinking skill है उनकी जरूरत पड़ती है। तो और examination क्या है, lower order thinking skill को check करता है। तो ये जो mismatch है, ये जो gap है, ये दूर होना चाहिए। Examinations in its current forms are moments of stress and anxiety for students. और generally जो परीक्षा है वो बच्चों के लिए भय और चिंता का कारण बनती है। Coupled to this are issues of malpractices which have impact on their capability. इसके अलावा कई गलत practices भी हैं जो examinations में चलती हैं। So reforms thus are much needed to ensure credibility and the outcome of the assessment system. इसलिए परीक्षा प्रणाली की सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए, उसकी वैधता को सुनिश्चित करने के लिए सुधार बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब हम बात करेंगे सुधारों की और ये सुधार यूजीसी ने दिए हैं, ठीक है। यूजीसी आप सबको पता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और हायर एजुकेशन को हमारे यहाँ गवर्निंग बॉडी है, हमारा मेंटेनेंस हायर एजुकेशन का यूजीसी देखती है, स्टैंडर्ड सेट करने का काम उसका है। तो उसी का मैंने आपसे सिर्फ एग्जामिनेशन रिफॉर्म शेयर किया है और मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। तो कई हेडिंग्स में है, पहला है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम, मॉडल्स ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम विच कैन बी फॉलोड इन इंडिया एंड स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजरल चेंजेस नीडेड इन द एग्जामिनेशन सिस्टम। वो कह रहे हैं कि भारतवर्ष में क्या उद्देश्य होना चाहिए परीक्षा का, कौन सा मॉडल फॉलो किया जाए, इसके लिए जरूरी क्या, ये हेडिंग के तहत उन्होंने क्या सुधार दिया कि लर्निंग आउटकम बेस्ड एजुकेशन फ्रेमवर्क आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। हम जानते हैं कि बहुत पहले का ये 2015 के आसपास लर्निंग आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात की गई है, लेकिन ईयर भूल रही हूँ मैं, जो भी है, लेकिन पहले हो गया टाइम इसको तो, लेकिन अभी तक बहुत कम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज इसको फॉलो कर रही हैं और बहुत सारे लोग तो इसका इसको नहीं जानते होंगे और इसको यहाँ इलेबोरेट करने से हम पथ से भटक जाएंगे। इसके लिए मैं आपसे डिस्क्रिप्शन लिंक पे अपना एक पुराने वीडियो की लिंक शेयर करूंगी, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, उसको आप पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो लर्निंग आउटकम बेस्ड एजुकेशन फ्रेमवर्क नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड एट HEIs, HEI क्या है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, टू स्ट्रक्चर एंड लिंक इवेल्युएशन राइट अप इंस्टीट्यूशनल गोल्स। अब आपको थोड़ा सा मैं जनरल शॉर्ट में बता दूं कि इंस्टीट्यूशनल गोल मतलब इंस्टीट्यूशन के आपका विजन होता है, मिशन होता है, उस विजन को प्राप्त करने के लिए क्या मिशन आपने चुना है और उस मिशन को प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम और कोर्स लर्निंग आउटकम से आप अचीव कर सकते हैं क्लासरूम लर्निंग के द्वारा। तो यूजीसी ने कहा कि आप लर्निंग आउटकम बेस्ड एजुकेशन फ्रेमवर्क तैयार कराइए, तैयार कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कराइए, उसी के हिसाब से पढ़ाई लिखाई हो। तो बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो यूजीसी ने क्या कहा कि गाइडलाइंस नेसेसरी फॉर द प्रॉपर पेपर सेटिंग एज वेल एज लर्निंग आउटकम बेस्ड एजुकेशन मे बी डिस्कस्ड इन ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्सेज फॉर द टीचर्स। तो कह रहे हैं कि जो टीचर्स न्यूली रिक्रूट हैं उनके ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, जो पहले से काम कर रहे हैं उनके रिफ्रेशर प्रोग्राम में, आप ये सिखाइए उनको कि कैसे लर्निंग आउटकम बेस्ड एजुकेशन फ्रेमवर्क आपको अपने इंस्टीट्यूशन में लागू करना है, ठीक है। फिर क्या सुधार बताया उसने, यूजीसी कह रही है क्वेश्चन पेपर सेटिंग। यूजीसी के अनुसार, और हम सभी जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर बहुत पुअरली वर्डेड होता है हमारे यहाँ, एक तो बस कुछ रिपीटिशन होता है पुराने कुछ सालों में आए हुए क्वेश्चन पेपर का, प्लस वो सिर्फ और सिर्फ मेमोरी बेस्ड होता है, प्लस वो हमसे किसी भी तरीके की क्रिटिकल थिंकिंग इस तरीके का कुछ भी पूछता नहीं है, वो सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर सेटिंग नीड्स ड्रास्टिक रिफॉर्म्स, मतलब पूरा हमको बदलने की जरूरत है क्वेश्चन पेपर सेटिंग को। व्हाइल सेटिंग द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक एंड इंडिपेंडेंटली बाय द पेपर सेटर इन द प्री डिसाइडेड प्रोपोर्शन से 70-30 कैन बी ड्रॉन विद ड्यू कंसिडरेशन टू द कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। वो कह रहे हैं कि आप एक क्वेश्चन बैंक बना लीजिए। कैसे बनाइए क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे एक्सपर्ट जो उस विषय के हों उनसे बनवाइए, बनवा के रखिए। ऐसा ना हो कि अचानक से होता है कि आपको दो दिन में क्वेश्चन पेपर बना के देना है, तो जो क्वेश्चन पेपर सेटर है वो भी जल्दी जल्दी बना देता है, उसको वो भी नहीं ध्यान देता है उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो उसको फॉलो करना चाहिए। इसलिए आप
प्रायर क्वेश्चन बैंक बना के रखिए और ये प्रोपोर्शन पहले से तय कर लीजिए कि 70-30 या जो भी होगा, क्योंकि हम 70 क्वेश्चन मतलब 7 क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक से लेंगे और 3 जो है हम पेपर सेटर से लेंगे और इस तरह से क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। और जो क्वेश्चन बैंक में पेपर हो वो भी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को फॉलो करता हुआ हो। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, तब आप समझ पाएंगे। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर भी पुराना वीडियो है, आप उसको सुन सकते हैं समय अनुसार। फिर the composition of a question paper should be such that an average student should not find it hard to get passing grade, while it should post real challenge to a good student with high scoring becoming increasingly difficult. वो कह रहा है question paper ऐसा होना चाहिए कि जो average student हो, जो साधारण बालक हो, उसको ये मुश्किल ना लगे कि वो पास भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो वाकई अच्छा बच्चा हो उसको ये चैलेंजिंग लगे कि वो बहुत अच्छे नंबर कैसे पाएगा। समझ में आ रही बात? इसका मतलब कि डिस्क्रिमिनेटिंग पावर डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस का इस हिसाब से होना चाहिए, ना ही क्वेश्चन पेपर बहुत सरल होना चाहिए और ना ही बहुत मुश्किल। ठीक है, फिर पीरियोडिक एकेडमिक ऑडिट ऑफ द क्वेश्चन पेपर शुड बी कंडक्टेड विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी मॉनिटरिंग बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ कंसर्न स्टेट। वो कह रहे हैं कि जो भी स्टेट है उसका जो स्टेट काउंसिल है हायर एजुकेशन का, उसको एकेडमिक ऑडिट करते रहना चाहिए बीच बीच में कि कैसा क्वेश्चन पेपर बन रहा है, वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसमें डिफिकल्टी लेवल ठीक है कि नहीं, ये सब। और आपको पता है ऐसा जनरली कुछ नहीं होता है। फिर ग्रेडिंग एंड क्रेडिट ट्रांसफर इंश्योर अ मिनिमम। अच्छा, क्रेडिट क्या है? क्रेडिट ये वो क्रेडिट है जो CBCS में होता है। CBCS क्या है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो PG में हमारे यहाँ चलता है, UG में अभी नहीं आया है। Ensure a minimum program wise uniformity in all HEIs with respect to number of course credits and total credit at UG and PG levels to facilitate smooth credit transfer. अब हल्का सा आपको क्रेडिट के बारे में बता दूं कि क्रेडिट क्या है, जो हम अर्न करते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो टाइम डिनोट करना होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने, उस पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ाने के लिए, उसको क्रेडिट कहते हैं। इसके लिए आप CBCS मतलब मैं आपसे 3 वीडियो के लिंक इसमें शेयर करूंगा, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और CBCS, ठीक है, तब आप समझ पाएंगे। तो वो कह रहा है कि क्योंकि क्रेडिट सिस्टम लाया है इसलिए गया कि हम क्रेडिट ट्रांसफर कर सके, मतलब एक जगह से आपने पढ़ाई की हो, दूसरी जगह आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, या बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई, आप किसी दूसरे HEI में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो जो क्रेडिट का ट्रांसफर हो स्मूथ हो सके, इसीलिए कह रहे हैं कि आप एक मिनिमम प्रोग्राम वाइज यूनिफॉर्मिटी बना लीजिए, मतलब समानता बना लीजिए कि सब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोर्स क्रेडिट में कितने क्रेडिट होंगे, टोटल क्रेडिट में UG PG लेवल पे कितने क्रेडिट होंगे, ये आप पहले से तय कर लीजिए। और फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेड, ग्रेड पॉइंट्स, SGPA, CGPA एटसेट्रा, द सेम गाइडलाइंस टू बी फॉलोड। और UGC ने कहा कि सभी इंस्टीट्यूशंस ग्रेड, ग्रेड पॉइंट्स, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, ये जो SGPA है वो सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज है, जो CGPA है वो क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज है, इसको निकालने के लिए सभी सेम गाइडलाइन फॉलो करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि each HEI can have a committee to determine the equivalence of the credits in cases of transfers या horizontal mobility। horizontal mobility क्या है कि हम एक ही तल पर मोबाइल हैं, vertical mobility क्या है कि हम ऊपर जा रहे हैं। horizontal mobility मतलब आप मान लीजिए BA part 1 कहीं से पढ़कर गए और आपको BA part 2 में कहीं और admission लेना है, ये horizontal mobility है कि same तरीके के institution पे आप mobile हैं, या BA पार्ट 1 ही आपका बीच में छूट गया और आपको बीच में ही कहीं बदलना पड़ गया इंस्टीट्यूशन, तो कह रहा है कि हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एक कमिटी बनानी चाहिए, ये तय करे कि किस तरह से क्रेडिट ट्रांसफर होंगे। और इसके रूल्स रेगुलेशन UGC ने बताए हैं, वो आपको पढ़ने होंगे, सीखने होंगे और अपने इंस्टीट्यूशन में सबको बताने होंगे। गाइडलाइंस फॉर सच इक्विवेलेंस कमिटी कैन बी प्रोवाइडेड, इसके लिए आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, फिर मॉडरेशन। UGC ने कहा कि हमको अपनी परीक्षा प्रणाली में मॉडरेशन की जरूरत है। मॉडरेशन मतलब मॉडरेशन एट एवरी स्टेज इज एसेंशियल टू इवॉल्व फेयर, ट्रस्टवर्दी, डिपेंडेबल एंड ट्रांसपेरेंट इवेल्युएशन सिस्टम। यानी कि हमको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन पेपर सेटर ने बना के दे दिया तो उसका हम किसी और से मॉडरेशन कराएं कि ठीक है, दिक्कत तो नहीं है, ज्यादा टफ तो नहीं है, ज्यादा ईजी तो नहीं है, सारे क्वेश्चंस हायर ऑर्डर के तो नहीं है, कुछ लोअर ऑर्डर के भी हैं, या सारे लोअर ऑर्डर के तो नहीं है, कुछ हायर ऑर्डर के भी हैं, ये सब देखने के लिए हमको हर स्टेज पे मॉडरेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे पेपर सेटिंग की स्टेज पे भी, जब असेसमेंट हो रहा है तब उस पर भी, री असेसमेंट अगर बच्चे ने दोबारा कॉपी चेक करने के लिए कहा है, कई बच्चे डिमांड करते हैं कि हमारी कॉपी में कम नंबर आए हैं, री असेसमेंट के स्टेज पे,
पोस्ट इवेल्युएशन सारी स्टेजेस पे मॉडरेशन होना चाहिए, यानी कि एक एक्सपर्ट से कराने के बाद आप दूसरे से भी क्रॉस चेक कराइए, ठीक है। फिर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की बात की है यूजीसी ने, कि ये हम फ्लेक्सिबिलिटी छात्रों को दें कि उनकी डिमांड पर एग्जामिनेशन कराया जा सके। आप समझ सकते हैं कि बहुत मुश्किल है हमारे जैसे देश के लिए जहाँ पे इतनी सारी जनसंख्या है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं ये प्रोविजन होना चाहिए। इट इज टाइम स्टेप्स आर इनिशिएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग ऑन डिमांड एग्जामिनेशन फैसिलिटी टू द स्टूडेंट्स, और सिस्टम शुड इंश्योर हाइएस्ट डिपेंडेबिलिटी, ओपननेस, रिलायबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिकॉग्निशन, ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, जैसे कि अभी हमने बात की कि वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो पूरा इंटरनल एग्जामिनेशन पे डिपेंड है, तो वो कह रहे हैं कि आप इंटरनल एग्जामिनेशन का भी सिस्टम लाइए। सिस्टम ऑफ आईई शुड बी ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट फ्रेंडली, ट्रांसपेरेंट एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस और इन्फ्लुएंस। वो कह रहा है कि जो इंटरनल एग्जामिनेशन हो वो ऑब्जेक्टिव हो, स्टूडेंट फ्रेंडली हो, पारदर्शी हो, और कोई भी प्रकार का उसमें पर्सनल बायस टीचर ना रखे, और जो भी रिजल्ट हो आईई मतलब इंटरनल एग्जामिनेशन का, वो आप बच्चे को तुरंत बता दीजिए। और वो कह रहे हैं कि आप यूजी पीजी के लिए पहले से तय कर लीजिए कि क्या प्रोपोर्शन होगा। जैसे आईएम इंटरनल एग्जामिनेशन यूजी पे क्या होगा, 30:70, मतलब कि 30 नंबर आपको इंटरनल एग्जामिनेशन से मिलेगा, 70 आपको एक्सटर्नल से मिलेगा। उसी तरह से पीजी में 40:60, यानी कि 40 नंबर आपका इंटरनल एग्जामिनर देगा और 60 आपका एक्सटर्नल देगा, ठीक है। उसी तरह से मैल प्रैक्टिसेस, यानी कि जो गलत प्रैक्टिसेस चलती हैं एग्जामिनेशन में, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, बाय प्रोटेक्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ कैंडिडेट्स एंड एग्जामिनर्स फ्रॉम ईच अदर, लॉट ऑफ पोस्ट एग्जाम मैल प्रैक्टिस कैन बी चेक्ड। यानी कि जो बच्चा मतलब रजिस्टर्ड है वही एग्जाम देने आया है ना। अ फूल प्रूफ सिस्टम एग्जाम्पल यूज ऑफ इनक्रिप्टेड बार कोड्स विच हाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम नॉट ओनली द एग्जामिनर बट ऑल्सो एग्जाम डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज मे बी यूज। This can be used in conjunction with other method, example randomizing of exam scripts given to any particular exam. मतलब वो कह रहे हैं कि कोई भी exam script, question script, answer script आप किसी से भी check करा सकते हैं, randomization हो, है ना। कोई भी malpractice examination में नहीं follow की जानी चाहिए और हर सतत प्रयास करना चाहिए ताकि ये वो दूर हो सके। और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन या टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑटोमेशन, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई, तो वो कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने इतना जो लेंदी प्रोसेस एग्जामिनेशन का, उसको इजी बना लेते हैं। वो कह रहे हैं कि यूजीसी कैन टेक इनिशिएटिव, यूजीसी को इनिशिएटिव ले सकती है कि वो इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर बना दे जिससे कि बच्चे रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उनका सीटिंग अरेंजमेंट, उनका हॉल टिकट जनरेट करना, उनका इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट के मार्क्स को जोड़ना, उनका फाइनल रिजल्ट बनाना, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेड सब उस सॉफ्टवेयर में हो जाए। दीज कैन बी मेड अवेलेबल टू दी एचईआईज टू एक्सपीडाइट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिफॉर्म्स। और जब ये बन जाए तो आप इसको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करा दीजिए ताकि उनका इतना काम, समय और मैन पावर बच जाए। और क्वेश्चन बैंक, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए यूजीसी ने कहा है कि आप क्वेश्चन बैंक बना के रखिए, इससे और ये यूनिफॉर्म हो, क्वालिटी हो, स्टैंडर्ड हो, बड़ा क्वेश्चन बैंक हो जिसमें से रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करके बच्चों को दिए जा सके और अच्छे क्वेश्चन हो जो वाकई आपका सही असेसमेंट करें। और रिजल्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिजल्ट डिक्लेरेशन, यानी कि जो परीक्षा के परिणामों की घोषणा होती है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स इज ए क्रूशियल एलिमेंट ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ एचईआई ऑन विच रेस्ट्स इट्स क्रेडिबिलिटी एंड रेपुटेशन। कोई भी परीक्षा की मतलब बहुत डिले हो रहा है उसका रिजल्ट, तो वो अपना क्रेडिबिलिटी खो देता है। आपको कोई एग्जाम फॉर्म भरना है, आपका रिजल्ट ही नहीं आया, आप भर नहीं पा रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द प्रोसेस ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, इट इज इम्पॉर्टेंट टू इनकॉर्पोरेट द फीचर्स लाइक टाइमलीनेस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। बहुत जरूरी है कि विद इन टाइम बाउंड टाइम पे आप रिजल्ट निकाल दें। क्लैरिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट कार्ड, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट कार्ड समझ में ही नहीं आ रहा उसमें क्या लिखा है। इट्स कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट, एक्सेसिबिलिटी एंड वेरीफाइबिलिटी एक्सेट्रा। तो यूजीसी ने क्या क्या कहा कि आप लर्निंग बेस्ड आउटकम फ्रेमवर्क अपनाइए, आप क्वेश्चन बैंक बनाइए, आप क्वेश्चन पेपर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से बनाइए, आप टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, उससे सहायता लीजिए, आप इंटरनल एग्जामिनेशन भी लीजिए, क्यों, जो जो पढ़ाता है वो आपका सही मूल्यांकन कर सकता है, रिजल्ट टाइम पे डिक्लेयर कीजिए। और इस तरीके के कई और रिफॉर्म्स की बात यूजीसी ने हायर एजुकेशन के एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए कही है। ओके सो आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी टॉपिक, दैट इज examination reform in higher education. So I have completed this one. Thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.